डॉल्फिन आ रही है, डॉल्फिन। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूं आपकी होस्ट ईशा फारूक और आप देख रहे हैं मिशा शो। तो आज के इस एपिसोड में हम लोग आपको दिखाएंगे ब्रिक्स क्लीन, मतलब के ईंटों की भट्टी। तो आज देखते हैं। ये एपिसोड हमारे चेंजिंग द परसेप्शन ऑफ पाकिस्तान सीरीज का हिस्सा है। अब मैं आपको ज्यादा तंग नहीं करना चाहती, तो आइए देखते हैं सिनेमैटिक शो। गाइस एक बात तो मैं आपको बताने भूल गई, मेरे पास में कैनन का कैमरा है जिससे हम लोग वीडियो बनाते हैं, लैपटॉप है जिससे हम लोग एडिटिंग करते हैं और मेरे पास मोबाइल है। हम कोयले की भट्टी आए हुए और कोयले में आप रहीमिया खान के करीब पहले इसका ये इसकी ईंटों की भट्टी है, इसके अंदर डालते हैं ईंटें लगा के, कच्ची ईंटें लगा के इसमें कोयला डालते हैं, 24 घंटे तक कोयला जलता रहता है, उसके बाद जो है वो मुकम्मल प्रोसेस होते हैं ईंटें जलते हैं। एक और तलब बात ये है कि ट्रेडिशनल विक से एयर पोल्यूशन होता है, इसलिए आप जिगजैग टेक्नोलॉजी यूज करें और पाकिस्तान को एयर पोल्यूशन फ्री करें। इधर से आओ, इधर से, इधर से आओ। इधर आओ, ये लगा हुआ इसके इसके साथ है। अभी कुड़ा है, अभी लाहौर लाहौर आ जाओ, मेरे पीछे आप जाओ, चलो आ जाओ। अच्छा ऐसे लगाते हैं, किधर है ये पक भी है, ये ऐसे लगा के कच्ची तो नीचे आग लगा देते हैं। जी जी, नीचे नहीं आग लगा, आग ये कच्ची है अभी सारी, इधर भराई करके आग कैसे लगाते हैं। ये चल रही है, ये क्या, ये डायरेक्ट कैसे ऊपर, ये मोरियां बनी हुई है ना, ये इस मोरी में क्या करते हैं, इस मोरी में कोयला डालते हैं। अच्छा कोयला डालते हैं, उसको फिर जला देते हैं, फिर पकना शुरू होता है। जी यार, इधर कोयला डाला हुआ है, ये तक जा रहे हैं ना, ये पक, ये वाला दिखाए ना, ये लिखा ये पक, यहां से चला यार। हां देख, अच्छा ठीक हो गया। उमर फारूक नाम है, सूरज गुरु और हमारा, लेकिन हमारा सफर अभी खत्म नहीं हुआ।